सो टुडे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। देखो कार्बनाइन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। पहली बात, कार्बनाइन होता है क्या बेटा? सी पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी सी नेगेटिव। कार्बन पे नेगेटिव का चार्ज आना वी कॉल्ड एज कार्बनाइन। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बेटा एक बात समझिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको स्टेबलाइज करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, सबसे बड़ी बात ये। तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर लिखते हैं बेटा, बने स्टेबलाइजिंग फैक्टर। देखो नेगेटिव है जी, तो कौन करेगा इसको? पॉजिटिव वाले। लेकिन उसमें भी सबसे पहले आ जाता है पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक को फर्स्ट कंसिडर करेंगे। दूसरा कौन सा है? अच्छा यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, फिर ध्यान रखना वो कार्बोकैटायन में ही होता है। दूसरा आता है बीबी, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट करेगा। थर्ड माइनस है तो माइनस वाले फेवर करेंगे, तो माइनस एम। फोर्थ याद रखना, कार्बनाइन को हाइपर कंजुगेशन नहीं समझाता, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं रोल प्ले करता, तो इसमें कौन आएगा? माइनस आई। और फिफ्थ कौन आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये इसके स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर हम डीस्टेबलाइजिंग की बात करें, डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? माइनस है तो प्लस वाले हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे कि सबसे पहला तो कौन हो जाएगा? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, सबसे लीस्ट स्टेबल माना जाएगा। दूसरा प्लस एम, तीसरा प्लस आई, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, एच इफेक्ट इसमें काउंट नहीं होता, हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन दिस, ऑलराइट। इन क्वेश्चंस में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, इतना कर लोगे सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए बेटा, फर्स्ट आ जाता है CH3, CH2 नेगेटिव। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक CH3, एक CH2, एक CH और एक फेनाइल है, ठीक है। तो इनमें देखो करना क्या, सबसे पहली बात, क्या इसमें EDE लगेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब M इफेक्ट, I इफेक्ट लगेगा इनमें? हम क्या कहते हैं, किसमें लगता है? पहले दिन एक क्लास बताई थी आपको, पहले दिन की, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ओनली अप्लीकेबल इन वेयर द एटम्स आर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम एंड हाइब्रेशन आर सेम। बट यहाँ तो हाइब्रेशन चेंज हो रही है सबकी, कैसे? इसकी हाइब्रेशन क्या होगी? sp3 होगी। इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? इस कार्बन की sp2, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड हो गया और एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव भी सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करो, तो इनमें EDE इफेक्ट नहीं लगेगा, पहले ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो जब इनमें EDE नहीं लगेगा तो हम किस हिसाब से बात करेंगे? हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें उस केस में? कम करें उसको, ठीक है। तो जो इसे ज़्यादा खींचेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और ज़्यादा कौन खींचेगा? एक सीधी सी बात आती है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, और हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताती है। अगर EN का ऑर्डर लिखूं मैं हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में, EN ऑर्डर, तो क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा होता है sp का, देन होता है sp2 का, और देन होता है sp3 का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है एक तरीके से, ठीक है। sp ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बात ये होती है बेटा, ये देखो, ये जैसे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास में आपको s परसेंटेज देख रहे हो, 50% s परसेंटेज है, 33% s परसेंटेज है और 25% s परसेंटेज है। ये किसका है? s का परसेंटेज है। अगर s ऑर्बिटल्स में परसेंटेज ज़्यादा है, भाई s यहाँ होता है, p यहाँ होता है, d यहाँ पे होता है, nf सोन, तो s की परसेंटेज ज़्यादा, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई कि sp ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों माना जाता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आ जाता है, और न्यूक्लियस के पास में आने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल कर पाता है, और पुलिंग पावर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? तो सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? अब नेगेटिव है, हम चाहेंगे कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन से छीन ले, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया?
सी, सबसे पहली बात तो सी इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, सी मोस्ट स्टेबल हो गया। सबसे लीस्ट कौन हो गया? ए। ये बात भी समझ में आ गई, sp3 वाला सबसे लीस्ट हो गया। दिक्कत आई इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों sp2 के, तो बेटा बात कैसे बात की जाए, कैसे बोला जाए, क्योंकि दोनों ही sp2 में आ गए। जब दोनों sp2, बेटा एटम सेम हो गए, हाइब्रिडेशन सेम हो गई, अब लगाओ ed, अब लगा दो आई इफेक्ट या आर इफेक्ट, तो बताइए जरा। यहाँ पे बात करेंगे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे बात करेंगे कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर हम ये भी देखें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब अपनी तरफ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो गया, तीन डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट हो गया, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? टी। बेटा खींचना है भाई, नेगेटिव चार्ज है, जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड लगा है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा नहीं करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब ऐसे तो तीन लगे पड़े, और आसानी से छीनेंगे, और आसानी से छीनेंगे तो और ज़्यादा स्टेबल करेंगे, यहाँ पे एक ही कर रहा है, तो स्टेबल कौन हुआ, डी या फिर ये? तो डी और उसके बाद बी। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, हमने माइनस आई इफेक्ट लगाया, समझ में आया कंसेप्ट? तो कभी भी ई डी ई या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहाँ लागू करना है, जहाँ पे एटम्स सेम हो और हाइब्रिडेशन सेम हो, एटम और हाइब्रिडेशन सेम हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गई, ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, हाँ जी, किस तरह का कंपाउंड दिख रहा है, फोर फाइव सिक्स, सिक्स बाई फोर एरोमेटिक, लेकिन ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। इधर बात करते हैं, कुछ है क्या, नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है, ये नॉर्मल रेजो है, इधर पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, एक तरह से नॉन एरोमेटिक है, या फिर नॉन एरोमेटिक तो हम बात ही नहीं करते यहाँ पे, कहीं पे हम पार्ट ऑफ एरोमेटिक या पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं। तो इस केस को क्या बोलें, सिर्फ आई इफेक्ट और कुछ नहीं इस केस में बोले। अच्छा इसमें भी क्या लगेगा, ये जो ग्रुप है कार्बन कार्बन है, तो कार्बन कार्बन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो प्लस आई इफेक्ट लागू हो रहा है बस, ठीक है। यहाँ बात करें, सोचो जरा क्या है, कुछ हो रहा है, डबल सिंगल डबल रेजो हो पा रहा है बस, लेकिन कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो किस्सा ही खत्म, वहाँ तो कंडीशन ये थी कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, तो एरोमेटिसिटी का किस्सा नहीं है, तो एक तरह से ये भी सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजो ही जा रहा है बस। यहाँ वेरी इंटरेस्टिंग केस, सल्फर के पास लोन पेयर है जी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डबल सिंगल डबल, क्या लोन पेयर और नेगेटिव आपस में रेजोनेंस कर पाएंगे, कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर ये तो गड़बड़ करते हैं बच्चे मैक्सिमम, कैसे भाई, इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन है, जाएं किधर, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एक तरफ तो खाली हो तभी तो घुसेगा वो, यहां कौन सा कंसेप्ट लागू हो रहा है, सोचो जरा, एस का वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ये थर्ड शेल का मेंबर है, इलेक्ट्रॉन तो जो इसके लोन पेयर है वो तो 3p में है, लेकिन जो इसके पास 3d है वो खाली है, तो अब बनाइए, तो ये 3d नेगेटिव मतलब बैक बॉन्डिंग का केस आ गया जी। तो ऑर्डर याद करो, सबसे पहले कौन स्टेबल होता था, पार्ट ऑफ एरोमेटिक मतलब ए, उसके बाद बैक बॉन्डिंग मतलब ई, उसके बाद भाई ये बात साफ होगी कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो उसको सबसे, देखो माइनस है प्लस है क्या करेगा, घटाएगा, तो सबसे लास्ट में तो ये पटक गया, बाकी तो इन चार्जेस का इशू नहीं आ रहा, तो सबसे लास्ट में कौन चला गया, अब कहानी बची इसमें और इसमें बस, दोनों में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो कैसे समझाएं इस बात को, देखिए बेटा यहाँ पे डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो पा रहा है, ये जैसे बॉन्ड यहाँ आएगा ये आगे खिसक गया, ठीक, यहाँ पर भी जैसे बॉन्ड यहाँ आएगा ये आगे खिसक गया, लेकिन यहाँ पर क्या लागू है, एक मिथाइल ग्रुप भी है, और मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस आई, नो मैटर ये इसको बढ़ा रहा है रेजोनेंस से बढ़ाएगा, ये भी इसको बढ़ाएगा, लेकिन प्लस आई क्या करेगा, घटाएगा, बात समझ में आई,
तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ जी? B इज मोर स्टेबल देन D, क्योंकि वहां प्लस का इफेक्ट भी लागू हो रहा है. तो क्या हो गया ऑर्डर? B आएगा और उसके बाद D आएगा. दिस इज द ऑर्डर. क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखें जरा. ये कैसा है बेटा? दिस वन पार्ट ऑफ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक. चार हो गया ना, तो पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक. तो ये बात साफ हो गई. सबसे लास्ट में गया बिना कुछ सोचे समझे. इस पे बात करें, पार्ट ऑफ एरोमेटिक हो गया, सिक्स हो गए. इसकी बात करें, बैक बॉन्डिंग मिला और इसमें नॉर्मल रेजोनेंस मिला. जब कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो सिंपल रेजोनेंस हो. ठीक है, और सिंपल रेजोनेंस का भी एक चीज बताऊंगा आपको कि जो रेजोनेंस होता है तीन तरीके का होता है इसमें, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस और नॉर्मल रेजोनेंस. तो अगर रेजोनेंस का ऑर्डर देना ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा होता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस. ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस का होता है, उसके बाद होता है नॉर्मल रेजोनेंस और सबसे लीस्ट होता है क्रॉस रेजोनेंस. ठीक है, क्रॉस रेजोनेंस का मतलब ये, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर है इधर है, तो क्या होगा, ये इधर भी आने की कोशिश करेगा, इधर भी आने की कोशिश करेगा, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करके उस कंडीशन में बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस. ठीक है, सबसे लीस्ट स्टेबल माना जाता है. तो ये स्टेबिलिटी याद रखना रेजोनेंस का. चलो बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा बेटा? दैट इज सबसे ज्यादा स्टेबल बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और सबसे लीस्ट में चला गया ए. आ गया समझ में? नाउ फटाफट लिखो, रब करें यहां तक. नाउ सी, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना रेजोनेंस का. सबसे पहले एक्सटेंडेड, मतलब जिसमें रेजोनेंस और ज्यादा एक्सीड कर गया हो, उसके बाद नॉर्मल रेजोनेंस, उसके बाद है क्रॉस रेजोनेंस. अब इनमें बात करिए बेटा, इनमें देखते हैं. देखो किसको स्टेबलाइज करना है हमें, इसको स्टेबलाइज करना है, मतलब कार्बन है, इनको इनको करना है. जुड़ा कौन सा ग्रुप है? ये तो सेम है, इसका फर्क पड़ा, इसका फर्क पड़ा. ठीक है, ये क्या देगा, ये क्या देगा? माइनस आई क्या करते हैं? खींचते हैं. फिर रेजोनेंस तो हो नहीं रहा ना, अब रिंग भी नहीं है, तो एम इफेक्ट लगा लेते. तो यहाँ एम इफेक्ट लागू नहीं होगा, यहाँ क्या लागू होगा? आई इफेक्ट होनी. तो माइनस आई इफेक्ट कार्बन आइन के ऊपर बोला जाता है कि माइनस, नेगेटिव है नेगेटिव को फेवर करेगा. देखो नेगेटिव है बढ़ाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है घटाएगा. कौन स्टेबल हुआ? बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2. अब इस केस में आओ बेटा, बड़े ध्यान से समझना इस केस को. स्टेबल किसे करना है? इसको करना है. ये कार्बन है, दिस इज द कार्बन और इस पर नेगेटिव चार्ज है. दिस इज द कार्बन और इस पर नेगेटिव चार्ज है. पहले तो देखो क्या ED लगा पा रहे हैं हम लोग? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में है, लग जाएगा. देखें जरा, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, रेजोनेंस गया. इधर देखते हैं, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उधर चला गया या फिर इधर गया? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके ज्यादा होंगे? एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिला, जबकि ये क्या है? नॉर्मल रेजोनेंस, बट गया जी. तो विच वन इज मोर स्टेबल? ए. जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड, चाहे वो कार्बन आयन हो, कार्बोकैटायन हो, फ्री रेडिकल हो. ठीक है, इसमें बात करें, यहां पर देखो, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंडेड जा रहा है. यहां पर देखें, नेगेटिव सिंगल सिंगल ना हो रहा, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, और ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखा करो कि क्या रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं. इन ग्रुप के ऊपर बात करने लग जाओगे कि माइनस आई प्लस आई, तो देखो सबसे पहली बात तो प्लस एम इफेक्ट लगाने के लिए भी आपको एक चाहिए होता है कंजुगेशन, कंजुगेशन पूरा नहीं है तो इसलिए वो चीज़ हट गया. माइनस आई इफेक्ट को देखते हो तो माइनस आई इफेक्ट तब देखोगे जब रेजोनेंस ना हो, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल, तो पहले रेजोनेंस को चेक करो, उसके बाद आई इफेक्ट में आओ. तो विच इज मोर स्टेबल?
वाई ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड या एक्सटेंडेड रेजोनेंस ऑफ दिस। नेगेटिव चार्ज हटाना है, बोझ को हटाना है, तो बोझ को वहां से हटा दो। हटेगा कब? या तो कोई छीन ले माइनस आई, या फिर उसको डीलोकलाइज कर दे। डीलोकलाइज करना ज्यादा आसान है, सब पे बार दो, सब बराबर हो गए, सब स्टेबलाइज हो गए। ठीक है, इस केस में देखो, वेरी इंटरेस्टिंग केस, विच वन इज मोर स्टेबल? वाई? क्या है बेटा, रिंग पे लगाया गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर ज्यादा होती है, हेलो बेंजीन पर बात होती हो। क्या ये हेलो बेंजीन है? ये हेलो बेंजीन नहीं है, जो तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो ये है, आठवां क्वेश्चन, वो भी लिख लेना चाहो तो। ये नेगेटिव है, ये फ्लोरीन है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो जी। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। कौन ज्यादा स्टेबल भाई? फ्लोरीन है, बेंजीन है, कंजुगेशन है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, माइनस एम भी लगा सकते हैं, मतलब एम इफेक्ट आई इफेक्ट दोनों लगेगा, लेकिन हमें पता है माइनस आई इफेक्ट हेलो बेंजीन के केस में लागू करता है। तो रिंग के पास डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, और ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। तो बी इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर घुस जाएंगे। लेकिन ये केस किस में था? हेलो बेंजीन के केस में था। यहां बात करो बेटा, क्या ये हेलो बेंजीन है? नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया भाई, फ्लोरो बेंजीन है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बेटा कार्बोकैटायन था कल, कल पॉजिटिव चार्ज था, अब नेगेटिव है, स्टेबलाइज किसको करना है वो देखो ना। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं और डाल दिया जाए। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कि देने की कोशिश करेगा तो रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, आराम से जाएगा नहीं जाएगा रिंग के अंदर, तो स्टेबलाइज ये होगा। ठीक है, इस केस में यहाँ लागू नहीं कर सकते हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और क्यों होगी, रीज़न समझाओ। आयुषी बता, एनी आइडिया? अरे भूल गए तुम लोग, अभी बताया था। सबसे पहले इफेक्ट क्या देखते हैं? पीओए नहीं है। दूसरा इफेक्ट क्या देखते हैं? बैक बॉन्डिंग है, क्या है या नहीं है? है या नहीं है? देखो मैं आपकी चीज बताता हूं, फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्लोरीन से, ज्यादा ये होना चाहिए था ना, बट ये होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ खाली डब्बे। ये नेगेटिव चार्ज उन डब्बे में जाना ज्यादा पसंद करेगा rather than इस चीज को छीनना। तो बैक बॉन्डिंग मोर पावरफुल है देन द आई इफेक्ट, दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। समझ में आई बात? चलिए बेटा इन पे और बात करें, टेंथ क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करते हैं, विच इज मोर स्टेबल। भाई बात तो समझ में आ गई कि नेगेटिव नेगेटिव है, इनको स्टेबलाइज करना है, कार्बन आइन है, तो नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? पहले देखो क्या कंजुगेशन है, नहीं, पार्ट ऑफ एरोमेटिक हट गया। क्या बैक बॉन्डिंग है? कहाँ है? ऑक्सीजन के पास है, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग है, टू पर है ना, वो सेकंड शेल में आता है, तो सेकंड में तो टी और सिर्फ एस होता है, डी तो होता नहीं, तो कौन? सल्फर उसके नीचे आता है, तो सल्फर के पास खाली बॉन्डिंग है, तो ये आराम से जा पाएंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, दिस इज मोर स्टेबल। इसमें बात करें जी, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, देखो सॉल्व करो एक बार, क्वेश्चन दिखाना, नेगेटिव चार्ज है कहीं? यहां पे बेटा नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इसको स्टेबलाइज करना है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है। तो देखो इधर भी अगर देखते हो, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो रिंग जा रहा है, इधर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिंग जा रहा है, तो ये तो तीनों में कॉमन हो गया, तो इसके इफेक्ट के ऊपर तो बात होगी नहीं, इफेक्ट पे बात होगी यहाँ पर, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव, आसानी से जाने की कोशिश करेगा, स्टेबल है, लेकिन मिथाइल ग्रुप तीन लगे हुए, मिथाइल ग्रुप का मतलब है यहाँ पर सी, यहाँ पे सी और यहाँ पर सी, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे इसको। सिमिलरली फॉस्फोरस के पास भी ये कहानी है,
तीन कार्बन है, मतलब CH3 है, तो CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट है, तो इसको देने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, और नेगेटिव भी आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब बताओ स्टेबल कौन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा फॉस्फरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। फॉस्फरस थर्ड पीरियड का मेंबर हो गया, और थर्ड पीरियड का मेंबर हो गया तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन आओ कोई दिक्कत नहीं, जगह खूब खाली पड़ी है, 3D के पांच ऑर्बिटल खाली पड़े हुए, सब आके भर जाओ, सब स्टेबल हो गए। नाइट्रोजन सेकंड का ऑर्बिटल होता है, इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, खाली नहीं है ऑर्बिटल, और इधर तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो स्टेबिलिटी किस में आई, सी में सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बी में, और देन ए में। ए में तो कुछ इफेक्ट नहीं लगा, समझ में आई बात। तो ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पे भी कंसेप्ट लागू हुआ बैक बॉन्डिंग का, तो इस बिहाफ पे हम एक ऑर्डर बोल सकते हैं, कार्बन आयन का ऑर्डर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लिख लीजिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बोल सकते हैं यहां पर, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन। सबसे ज्यादा स्टेबल आपको माना जाएगा पीएच सी नेगेटिव, पीएच का मतलब फिनाइल, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद डाई फिनाइल मिथाइल कार्बनाइन, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल कार्बनाइन, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, अलाइल कार्बनाइन, सी ए लिख रहा हूं कार्बनाइन को। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1, 2, 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जरा निकाल ही ले क्वेश्चन इसी पे, 11th क्वेश्चन भी लिख लो बेटा इसी तरह से एक अलग, जैसे कि एक लिया हमने ये, एक लिया आपने ये, और एक लिया आपने ये, ठीक है, और एक और ले लो फोर्थ CH3-, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखो क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के मिलने वाले तुम्हें, ये ज़्यादातर यूज़ होगा तुम्हारा बोर्ड के अंदर। बताओ विच इज़ मोर स्टेबल, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री कार्बनाइन, दिस इज 3 डिग्री कार्बनाइन, एंड दिस इज मिथाइल कार्बनाइन। क्या चाहेंगे हम लोग, हम चाहेंगे कि नेगेटिव चार्ज कम हो, और ग्रुप कौन सा लगाए, प्लस आई इफेक्ट, प्लस माइनस कम करेगा, दो तरफ से लग रहा है कम करेगा, ठीक है, तीन तरफ से लग रहा है और कम करेगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है बस, तो कम तो हो रहा है लेकिन इतना इफेक्ट नहीं हो रहा जी, कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा, दैट इज डी इज मोर स्टेबल। भैया तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उसको, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है भाई, प्लस आई इफेक्ट लागू हो रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन पहले से बोझ है तुम्हारे पे, और बोझ टपका रहे, एक जना दे रहा है तुम्हारे पे, मान लो सर पे एक बड़ा पत्थर रखा है, अब ये आगे तेरे पे थोड़ा सा इतना सा पत्थर और रख दे, फिर दो जने आके और रख दें, फिर तीन जने आके और रख दें, और एक कुछ भी नहीं रखे देख रहा है बस तुम, तो ज़्यादा स्टेबल जो देख रहा है उसमें वो है ना, पहले से बोझ के तले तुम मरे जा रहे हो, ऊपर से इतना छोटा सा पत्थर भी रख दिया सर के ऊपर, तो उसका भी बोझ भारी लगेगा, समझ में आई बात। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो उसके बाद कौन होगा, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री। तो ऑर्डर समझ में आ गया, तो यहाँ पर कौन आएगा, अब मिथाइल कार्बनाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बनाइन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बनाइन, और उसके बाद 3 डिग्री कार्बनाइन। जबकि कार्बोकोटाइन में ये चीज़ उल्टा था, कार्बोकोटाइन में था इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कोई भी आए दो भैया, तो तीन डायरेक्शन से आके दे रहे हैं, आराम से स्टेबलाइज हुए तुम। क्लियर हुआ, लिखो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होता है बेटा हमेशा होमोलाइटिकली फ्यूजन के द्वारा बनते हैं, पहले ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और हम बात करेंगे जनरली कार्बन के फ्री रेडिकल। हाइब्रिडेशन कौन सी है बेटा,
sp3। देखो जरा सोच समझ के, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो बॉन्ड है ही नहीं, sp2 hybridized, मतलब एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो दिस इज sp2 hybridization। दूसरी बात, इसको हमेशा ट्रीट करना है ऐसा कार्बोकटाइन, इसको ट्रीट करना, हालांकि कोई फैक्ट नहीं है बट एज्यूम कर लो एक बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो हम चाहेंगे कि इसके पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आए, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए। अब एक सिंगल बॉन्ड से, ये बात भी ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन से कभी बॉन्ड नहीं बनता, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लागू कर पाएंगे? फिर रेजोनेंस पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड बनने होते हैं, वो भी दो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यहां पर भी नहीं हो पाएगा। तो एच इफेक्ट और एम इफेक्ट लागू नहीं कर पाएंगे। तो बचे क्या, देख लो स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन कौन से हुए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ऑल दो अगर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज मान के एक बार चलो, तो कौन कौन से ऐसी चीजें इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं? ठीक है, पहली चीज भाई, कंजुगेशन तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो हम सीधा बोलेंगे इसको एक बार पॉजिटिव समझो, तो पॉजिटिव वाले स्टेबल करेंगे, पॉजिटिव वाले स्टेबल करेंगे, तो कौन सा होगा सबसे पहला, प्लस एम, दूसरा प्लस एच, मतलब प्लस वाले कर पाएंगे ये सोच के चलते हैं एक बार, तीसरा प्लस आई, और चौथा हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये इफेक्ट लागू नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो आपके इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर और आसान हो गए, कौन से, माइनस वाले कर दो सारे। डिस्टेबलाइजिंग की बात करें, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स की, तो सारे के सारे माइनस वाले, तो माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई। भाई समझने की बात है, तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है कि प्लस प्लस वाले को बढ़ाएंगे, अच्छा इसको प्लस एज्यूम करोगे तो ही ये काम हो पाएगा, वरना फ्री रेडिकल के कंसेप्ट में घूमते रह जाओगे बुरी तरह से। ठीक है, बात एक एग्जांपल देता हूँ समझना बेटा, और एक ही एग्जांपल देते हैं, इसी में समझ लेते हैं सारी चीज़ें, कंसेप्ट तुम्हें आ जाना चाहिए बस। ये फ्री रेडिकल है, एक और ले लो इसमें, सीडी थी। ठीक है, ये मतलब सी एस टू है सारे के सारे, समझ गए ना, तो सी एस टू फ्री रेडिकल्स बॉन्ड है। तो हाँ जी बेटा बताइए रहा, कौन कौन सा ग्रुप लागू हो रहा है यहाँ पे, बात करें पॉजिटिव है, इसका इफेक्ट देखो ये कैसे देता है, रिंग के साथ जुड़ा है जी, अगर रिंग के साथ जुड़ा है तो एम इफेक्ट देगा, तो कौन सा देगा ये, और माइनस आई। इसकी बात करें तो प्लस एच, एक तो मिथाइल ग्रुप लगा है पैरा पे है, और दूसरा प्लस आई। इसकी बात करें तो CCl3 माइनस एच, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का केस हो गया, और माइनस आई भी देगा। CN की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो पॉजिटिव डबल और ट्रिपल पे कौन सा होता है, माइनस एम होता है। ठीक है, दूसरी बात माइनस आई। इसकी बात करें जी, CD3 प्लस आई भी देगा और प्लस एच भी देगा जी, हाइपर कंजुगेशन भी तो देता है, सी डी थ्री सी टी थ्री याद आया, और हाइपर कंजुगेशन में मैंने कहा था कि ऑर्डर क्या होता है हाइपर कंजुगेशन का, सी एच थ्री ज़्यादा देता है, फिर भाई हाइपर कंजुगेशन में एच आता है और इसलिए एच थ्री देगा, फिर सी डी थ्री, और जिसका उल्टा होता था आई इफेक्ट।
ठीक है, बात किसकी माननी है हमें, जो मोर पावरफुल है इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे और इसको नहीं मानेंगे। अगर इसको मान लिया तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। अब देखते कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। इसको प्लस मानो एक बार, प्लस माइनस घटा रहा है, प्लस प्लस बढ़ा रहा है, प्लस माइनस घटा रहा है, प्लस माइनस घटा रहा है, प्लस प्लस बढ़ा रहा है। दो बढ़ा रहे हैं, एक ये बढ़ा रहा है और एक ये बढ़ा रहा है। देखो कितना इंटरेस्टिंग केस बन गया। CH3 CD3 कौन बढ़ाता जाता है, बी। तो सबसे पहले आ गया बी, उसके बाद आ गया ई। अब घटाने पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा घटाएगा, देखो यहाँ एम इफेक्ट है, यहाँ एम इफेक्ट है और यहाँ पर एच है। तो एक बात तो साफ होगी कि एच इफेक्ट तो सबसे लास्ट में गया, अब बात आई एम में। तो याद करो क्या था, कैनेडा से साइनाइट में शाइनिंग, तो नाइट एनओ टू शाइनिंग साइनाइड, तो पहले कौन आया, और तो एनओ टू ज़्यादा घटाएगा, ज़्यादा घटाएगा तो स्टेबिलिटी कम करेगा, तो ए यहाँ पर आ गया और फिर डी यहाँ पर आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया, और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, क्लियर है कंसेप्ट। तो बार बार वही चीज़ है, मेन चीज़ है कार्बोकैटायन कार्बन एंड पे समझना, फ्री रेडिकल पे बस इसको एक तरह से ये से समझना आप लोग कि कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो पॉजिटिव मान के काम करोगे तो आसानी से हो जाएंगे आपके, इसमें कोई एक्सेप्शन कोई कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब एक हेडिंग डालो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रख करो नाउ गिवन हेडिंग बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर,